हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मेथड्स एंड मूवमेंट एट द वर्क प्लेस। दैट मीन्स कोई ऑपरेटर यदि किसी मशीन के पास काम कर रहा है तो एटलीस्ट उसके आसपास कितना स्पेस होना चाहिए और क्या उसके हाथ का और दूसरे पार्ट्स का मोशन होना चाहिए सो दैट ही कैन यूटिलाइज हिमसेल्फ इन बेटर वे। प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी, इसको टोटल ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट को मोशन इकोनॉमी बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द अरेंजमेंट ऑफ द वर्क प्लेस। हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि वर्कर ही गलत हो या वर्कर को ही अपन इम्प्रूव करें। देयर मे बी इम्प्रूवमेंट इन मशीन एज वेल एज दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल कि हाउ वी कैन इम्प्रूव द मेथड्स। इफ वी अरेंज जस्ट ए स्क्रू, टर्न स्क्रू, देन दिस चेयर विल बी मोर इफेक्टिव। मोशन इकोनॉमी एज रिलेटेड टू द ह्यूमन बॉडी, द टू हैंड्स शुड बिगिन एंड कंप्लीट देयर मूवमेंट एट द सेम टाइम। जैसा कि आप लोग कभी देखते हैं कि दो बाल्टी में पानी लेकर के जाना ज्यादा आसान है बजाय एक बाल्टी में सिंगल हैंड। दैट मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ बोथ हैंड एट दैट प्लेस विल बी बेटर बेटर। द टू हैंड शुड नॉट बी आइडल एट द सेम टाइम। दोनों हाथ भी खाली नहीं रहना चाहिए बिकॉज यू आर वर्किंग इन द वर्कशॉप। मोशन ऑफ द आर्म शुड बी सिमेट्रिकल इन अपोजिट डायरेक्शन। इट इज जैसे एक आगे जा रहा है तो दूसरा पीछे ऑटोमेटिक जाना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड बैलेंसिंग। हैंड एंड बॉडी मोशन शुड बी मेड एट द लोएस्ट क्लासिफिकेशन एट विच इट इज पॉसिबल टू डू द वर्क सेटिस्फैक्टरी। कुल मिलाकर के इससे ह्यूमन बॉडी फटिक नहीं होता है, ज़्यादा रेस्ट नहीं मांगता है और व्यक्ति या ऑपरेटर थकता नहीं है, क्योंकि तो थक जाएगा तो फिर काम कौन करेगा। द फ्यू ऑफ द हैंड मोशंस, नकल, रिस्ट, एल्बो, शोल्डर एंड ट्रंक। मोमेंटम शुड बी एम्प्लॉयड टू हेल्प द वर्कर बट शुड बी रिड्यूस्ड टू ए मिनिमम। कंटिन्यूअस कर्व मोशन आर टू बी प्रिफर्ड टू स्ट्रेट लाइन मोशन इन्वॉल्विंग सडन एंड शार्प चेंज इन डायरेक्शन। जैसे कोई व्यक्ति कहीं मूव कर रहा है, देयर शुड नॉट बी शार्प चेंज इन द डायरेक्शन, इट्स शुड बी कर्व्ड। बैलिस्टिक मोशन, फ्री स्विंगिंग, इजियर एंड मोर एक्यूरेट देन द रेस्ट्रिक्टेड रिदम। ऑपरेटर शुड वर्क इन ए रिदम बट नॉट फॉर ए लॉन्ग टाइम। वर्क शुड बी अरेंज सो दैट आई मूवमेंट आर कन्फाइंड टू ए कंफर्टेबल एरिया विदाउट द नीड फॉर फ्रिक्वेंट चेंज ऑफ द फोकस। एज रिलेटेड टू द अरेंजमेंट, डिफिनिट एंड फिक्स्ड पोजिशन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल टूल्स एंड मटेरियल टू परमिट हैविट। टूल्स एंड मटेरियल शुड बी प्री पोजिशन टू रिड्यूस द सर्चिंग। जिस समय जरूरत पड़ा उस समय ऑपरेटर को सर्च ना करना पड़े। एट फिक्स्ड पोजिशन पे रखा हो जहाँ ईजी टू अप्रोच हो। ग्रेविटी फिट, ऑपरेटर को ज़्यादा झुकना ना पड़े या दैट इज आल्सो कॉल्ड पॉइंट लोड। लोड ज़्यादा उसके कर्व बॉडी पे नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स ऑपरेटर शुड बी एक्सटेंडिंग द स्ट्रेट वे। टूल्स एंड मटेरियल कंट्रोल शुड बी लोकेटेड विद इन द मैक्सिमम वर्किंग एरिया एज नियर टू द वर्कर एज पॉसिबल। डायमेंशंस फॉर द सीटेड टास्क, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, इट मे बी वेरीज पर्सन टू पर्सन। सीट हाइट, वर्क सरफेस हाइट, लेग क्लियरेंस, थाई क्लियरेंस, वर्क सरफेस थिकनेस। मटेरियल एंड टूल शुड बी अरेंज टू परमिट द बेस्ट सीक्वेंस ऑफ मोशंस। ड्रॉप, डिलीवरी और इजेक्टर्स should be used wherever possible. Pick and place robots are used nowadays. Provision should be made for adequate lightening, chair of the type of height to permit good posture, height of the workplace. The color of the workplace also helps worker to enhance their performance.
अदरवाइज इफ कलर इज बोरिंग देन इट इनहांस द आई फटिक एंड रिड्यूसेस द इफिशेंसी ऑफ वर्कर. टूल्स एंड इक्विपमेंट टू हैंड शुड बी रिलीव्ड ऑफ ऑल वर्क ऑफ होल्डिंग द वर्क पीस वेयर दिस कैन बी डन बाई ए जिग फिक्सचर और फुट ऑपरेटेड डिवाइस. हमेशा मेहनत न करना पड़े. वी मस्ट हैव टू डेवलप वन मैकेनिज्म. टू और मोर टूल्स शुड बी कंबाइंड वेयर एवर पॉसिबल वेयर ईच फिंगर परफॉर्म सम स्पेसिफिक मूवमेंट एज इन टाइप राइटिंग हैंडल्स एज दोज ऑन क्रैंक्स एंड लार्ज स्क्रू ड्राइवर्स शुड बी सो डिजाइंड दैट एज मच सरफेस ऑफ द हैंड एज पॉसिबल एंड इट कैन टर्न विथ मिनिमम टॉर्क. लीवर क्रॉस बार एंड हैंड व्हील्स शुड बी सो प्लेस्ड दैट द ऑपरेटर कैन यूज देम विद द लीस्ट चेंज इन बॉडी पोजिशन एंड द लार्जेस्ट मैकेनिकल एडवांटेज. मैकेनिकल एडवांटेज बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ द लोड टू दीज आर दू ऑफ द वर्किंग एरिया. दैट मीन्स ए पर्सन वर्किंग दैट मस्ट हैव एटलीस्ट दिस वर्किंग एरिया फॉर द बेटर वर्किंग. दीज आर द लीवर्स हैंड व्हील्स. दिस इज द हैंड व्हील. हैंड व्हील मस्ट हैव ए हैंडल टू रोटेट लीवर. दीज आर द फ्यू ऑफ द रिंचेज. टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट. लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड. इट शोज एक्टिविटी ऑफ टू हैंड इन रिलेशन टू वन अनदर. According to Barnes, it uses only two symbols, a small, that means operation, and big circle is operation, transportation and operations. According to ILO, International Labour Organization, it uses all process charts symbols except inspection. After studying a few cycles, recording is done. Only one hand is charted at one. Further, Gilbert has given thervlicks. There are total 18 thervlicks. Search, find, select, grasp, transport, position, assemble, use, disassemble, inspect, preposition, release the load, transport, empty, rest for overcoming fatigue, unavoidable delay. Avoidable delay and plan to do the work. Micro motion. Again, micro motion is studied by the film or video. Operation with very short cycles, repetitive cycles need greater detail to analyze it for saving motion and effort. Micro means a small, that means a small motions. Such a study involves the use of film or video. Now the trend is video because it is easy. Earlier film was used. Later on the film or video it can run on the projector. These are the steps. Recording the job by film or mobile or whatever is the instruments. Present the data facts through CMO charts, camera, video camera. In this, advantage is greater details are made available because in every angle you can capture the video. It is more accurate, easier data collection, better record keeping, help in work study, personal development. This is the film analysis. Left hand and right hand. One wink film can be noted from the chronometer reading. It goes to one wink, that means the 2000 parts of this is the micro motion study, that is called simultaneous motion cycle chart. This is the wink counter like this. Left hand descriptions. These are the thervlic symbols. How much time it has taken. Again, thervlic
एंड फॉर द राइट हैंड, दिस इज फॉर द लेफ्ट हैंड एंड दिस इज फॉर द राइट हैंड। माइक्रो मोशन एनालिसिस, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई मंडल। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रो मोशन स्टडी इन विच एक्टिविटीज आर रिकॉर्डेड एट स्लोअर स्पीड। ए जनरल पैटर्न ऑफ मूवमेंट्स कैन बी ऑब्टेंड एंड अवॉइडेबल मोशंस कैन बी आइडेंटिफाइड। स्टडी द ऑपरेशन टू बी रिकॉर्डेड, प्रिपेयर द फिल्म एंड डेवलप ए एनालाइज एंड डेवलप बेटर मेथड्स। इट्स एडवांटेज, इट इज मोर इकोनॉमिकल एंड इट कैन बी फिल्म्ड फ्रॉम एवरी एंगल्स। एप्लीकेशन इज टू इन्हांस टीम वर्क, मटेरियल फ्लो, लॉन्ग साइकिल जॉब स्टडी, स्टडी ऑफ आर्टिफिशियल लिम्स। अब जाते जाते हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि आज आपने जो वीडियो देखा काफी कुछ समझ में आया होगा, और यदि आपको कुछ कम समझ में आया है तो इसको आप एक बार और देखिए। साथ में ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में जो टॉपिक था उससे रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए हमेशा प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पर 200 प्लस वीडियोज उपलब्ध हैं। और इस वीडियो के द्वारा जो नॉलेज मिला, जो आपकी स्किल डेवलप हुई और हमने जो अपने अनुभव शेयर किए, हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके जीवन में नित नई उन्नति के द्वार खोलेंगे। और जाते जाते मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ में ही यह मुस्कुराहट अपने दोस्तों के साथ भी, अपने क्लासमेट के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद, धन्यवाद।